पल्स मॉड्यूलेशन आज हम पढ़ेंगे। पल्स मॉड्यूलेशन में हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन। देखिए मॉड्यूलेशन जो होती है हमारे पास दो तरह से होती है। एक कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन होती है, कंटिन्यूस वेव में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। इसी तरह एंगल मॉड्यूलेशन होती है। एंगल मॉड्यूलेशन की दो सब कैटेगरीज हैं, फ्रीक्वेंसीज और फेज मॉड्यूलेशन। आज हमारा फोकस इनके ऊपर होगा, पल्स मॉड्यूलेशन के ऊपर। तो पल्स मॉड्यूलेशन में एनालॉग मॉड्यूलेशन होती है और इसमें डिजिटल होती है। ठीक है, एनालॉग में पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स विड्थ और पल्स पोजीशन आते हैं, और डिजिटल के अंदर पल्स कोड मॉड्यूलेशन और उसी की ही ये उसकी एक फॉर्म है, डेल्टा मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड में हम पल्सेस का एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं उनका बाय कीपिंग देयर पोजीशन एंड विड्थ कांस्टेंट। ठीक है, विड्थ और पोजीशन हम उनकी कांस्टेंट रखते हैं और एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं। जैसे ये देखिए हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, उसके साथ पल्स कैरियर हमने लिए। अब ये जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसमें इसका एम्पलीट्यूड जो है वो सिर्फ वेरी हो रहा है, इनकी पोजीशन भी फिक्स है। ठीक है, और विड्थ भी फिक्स। इसको हम जनरेट करते हैं बाय सिंपलिंग बाय अप्लाइंग बाय, लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, सैम्पल सिग्नल से मॉड्यूलेट कर रहे हैं, पल्स कैरियर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, एक सैम्पलिंग सिग्नल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से हमें पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सिग्नल मिल जाता है। सिग्नल से जब हम जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसी तरह मिल जाते हैं। इसको हम नेचुरल PAM सिग्नल भी कहते हैं। ये नेचुरल फॉर्म है, अगर इसको हम कट कर लें तो हमारा डिजिटल फॉर्म आ जाएगा। इसके एडवांटेजेस हैं कि ये इजी है ना, लेकिन दूसरा इसमें कुछ ऑप्शन भी हैं कि बैंडविड्थ इसको ज़्यादा चाहिए होती है, नॉइज़ भी ट्रांसमिट कर देते हैं। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को हम विड्थ की जगह पल्स PLM, इनके पल्स लेंथ मॉड्यूलेशन, पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। इसमें हम जो है हमारी पल्स जो है उसकी हम विड्थ जो है वो वेरी करते हैं। जब विड्थ वेरी करते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रखते हैं और उसकी पोजीशन भी कांस्टेंट रखते हैं। अब देखें इंसानों का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है ना, सिर्फ इसकी विड्थ वेरी हो रही है। देखिए इसकी थोड़ी है, इसकी विड्थ इसकी कम है ना, वो उस लिहाज से। देखिए जब सिग्नल हाई है तो इसकी हमने विड्थ ज़्यादा कर ली, जब सिग्नल लो है, यहाँ पर सिग्नल लो है तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी। एक सिंपली सॉ टूथ जनरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉ टूथ में ट्राइंगुलर काइंड ऑफ वेव होती है। ये देखिए हमने सॉ टूथ एक सिंपल सिग्नल को हमने एक शॉर्ट हुक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखें जैसे जैसे नीचे होता है, यहाँ ये हमने डॉटेड लाइन में इसको शो किया हुआ, नीचे वाले हिस्से में हाई है, जब इससे ऊपर चला जाता है तो ये सिग्नल लो हो जाता है। देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाई है, और जब ये इस वेव से ऊपर चली गई तो ये लो हो गया। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लो है, और इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लो होगा। क्योंकि जो ओरिजिनल वेव जब ऊपर जाती है तो उसको हमने हमारे सैम्पल सिग्नल की जो वैल्यू ज़्यादा होती है, जो हमारा गिवन सिग्नल है, तो हम इसको लो कर देते हैं, और जब हमारा जो गिवन सिग्नल है वो हाई होता है तो इसको हम हाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गिवन सिग्नल है वो हाई है, वो हाई है तो हमने हाई कर दिया, जब सैम्पल सिग्नल हाई है तो इसको लो कर दिया। इसी तरह इसकी विड्थ वेरी करेगी। इम्यूनिटी टू नॉइज के लिए बेहतर है, लेकिन इसका जो है ना मसला ये है कि ये इसको बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए होती है। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन भी एक वो आप जी कह लेंगे मॉडिफिकेशन है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में। इसमें क्या होता है कि पल्स जैसे बताया, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन की पल्सेस की पोजीशन बताता है कि किस पोजीशन के ऊपर पल्स है। देखिए लाइक मतलब ये आपके पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर वाला सिग्नल है, PWM का सिग्नल है। अगर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, यानी कि जहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है उस एज पे हमें पल्स ट्रिगर कर रही है, तो हमें हर नेगेटिव एज के ऊपर एक पल्स दे देगी। ठीक है, हर नेगेटिव एज के ऊपर एक पल्स दे।
मतलब पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटर जो मॉड्यूलेशन जो है ये ड्राइव है पल्स स्पीड मॉड्यूलेशन से। अब इसी तरह देखें कि नेगेटिव की जगह नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं। अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो यहाँ यहाँ पल्स आएगी, यहाँ यहाँ आएगी ना। इसी तरह नेगेटिव एज ट्रिगर है तो नेगेटिव वाली साइड यहाँ पे आ गई, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एज वाली दोनों पल्सेज आ गई। तो इस तरह हमें सिर्फ पल्स की वैल्यू मिल जाती है। हम बाज़ दफ़ा क्या करते हैं, क्लिप कर देते हैं, ऊपर वाली साइड कभी क्लिप कर दी, कभी नीचे वाली साइड क्लिप कर दी, मतलब एक साइड हम ले लेते हैं। सिंपली पल्स स्पीड मॉड्यूलेशन के साथ, लेकिन जो पल्स स्पीड मॉड्यूलेशन वाला सिंपल पुराना सर्किट है उसी के आगे हमने मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर लगा दिया। ठीक है, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बस उनकी ट्रिगरिंग को चेक करता रहेगा। तो पल्स स्पीड से ही हमने ड्राइव किया पल्स पोजिशन। इसका सिस्टम थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, बाकी तो सही है। ये सारों को कंपेयर करते हैं, देखें पल्स एम्पलीट्यूड में एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा था, विड्थ में क्या हुआ, इसका विड्थ वेरी हो रही है और पोजीशन में क्या है, ये पल्स विड्थ की पोजीशन बताई जा रही है पल्स पोजीशन में। देखें इसका कंपैरिजन है सारों का, इसमें नाइस लो होती है, बाकी दोनों में हाई होती है। एसएनआर जो है इसमें कंपैरेटिवली हाई होती है। इसी तरह सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, बैंडविड्थ के ऊपर ये डिपेंडेंट है। ठीक है, ट्रांसमिशन पावर जो है इस केस में कांस्टेंट होती है, बाकी सारों की वेरिएबल है। बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट इस केस में लो है ना, बैंडविड्थ में लो रिक्वायर्ड चाहिए होता है। सिमिलैरिटी जो है इसकी FM के साथ है, इसकी PM के साथ है, ठीक है, फेज मॉड्यूलेशन के साथ है, इसके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के साथ है। ट्रांसमीटर और रिसीवर की यहाँ पे सिंक्रोनिज्म चाहिए होती है पल्स पोजीशन में। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास डिजिटल में अंदर डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर एक पल्स कोड मॉड्यूलेशन आती है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हम हर पल्स को क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कोड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस हम करते हैं, सबसे पहले सिग्नल का सैंपल लिया, फिर उसको क्वांटाइज करके, फिर उसको क्वांटाइजेशन में हम राउंडिंग या चोपिंग करके, फिर उसको हर कौन लेवल को हम एक डिजिटल कोड दे देते हैं। लेकिन ये हमारा सिग्नल है ना, सिग्नल के हमने क्या किया, डिफरेंट लेवल डिफरेंट सैंपलिंग कर ली, सैंपल को एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर क्वांटाइज कर लिया। क्वांटाइज के बाद उनको बाइनरी कोड दे दिए और वो बाइनरी कोड हमने ट्रांसमिट कर दिए। सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, एनकोडिंग। सैम्पलिंग के बाद जो हमें सिग्नल मिलता है वो PAM वाला सिग्नल मिलता है ना, और इसको नेचुरल PAM भी हमने कहा था। PCM के कुछ एडवांटेजेस हैं, सिक्योर्ड है, पॉसिबल इनकोडिंग है, वेरी नाइज इम्यूनिटीज के हाई है, लेकिन ये कम्प्लेक्स भी है, बैंडविड्थ इसकी ज़्यादा चाहिए होती है, सिंक्रोनिज्म चाहिए होती है इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। तो इस कॉन्सेप्ट को हल किया जाता है, इसको आसान बनाने के लिए हम डेल्टा मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं। लेकिन डेल्टा मॉड्यूलेशन या डिफरेंशियल PCM, इसमें हम डेरिवेटिव की बेस पे जाते हैं। अगर सिग्नल इंक्रीज कर रहा है तो हम 1 भेजते हैं, अगर सिग्नल डिक्रीज कर रहा है तो हम क्या करते हैं, 0 भेजते हैं। हम क्या करते हैं, सिग्नल के साथ साथ स्टेप चेक करते जाते हैं, ये अभी सिग्नल इंक्रीज कर रहा है या अभी डिक्रीज कर रहा है, मतलब डेल्टा वाइड आप ये कह लें कि रेट ऑफ चेंज चेक करते हैं। अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो 1 भेजते हैं, अगर डेरिवेटिव उसका नेगेटिव है तो 0 भेजते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये ओरिजिनल सिग्नल है, ठीक है, इसके साथ हम इसके साथ चेक कर रहे हैं। देखें यहाँ पे सिग्नल हमारा जो कैरियर सिग्नल है उससे जो हमारा बेसमेंट सिग्नल है वो थोड़ा है तो हम 0 भेज रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ तक ये थोड़ा है, इधर आके देखें यहाँ पे बेस बैंड कैरियर से बढ़ जाता है तो 1 भेज दिया, फिर यहाँ पे फिर कम हो गया 0 भेज दिया, आगे देखें यहाँ पे आके क्या हुआ, बेस बैंड से देखें बेस बैंड सिग्नल कैरियर से ज़्यादा हो गया तो हमने क्या किया, 1 भेज दिया। ठीक है, जब जहाँ से कम होता है उसको हमने 0 भेज देते हैं।
मतलब यहाँ पे हम सिग्नल का क्या कर रहे होते हैं, स्लोप चेक कर रहे होते हैं। अगर स्लोप उसका पॉजिटिव है तो 1 भेज दिया, अगर नेगेटिव है तो 0 भेज दिया। लेकिन ये जो हमारे पास कैरियर सिग्नल है ये भी बड़ा मैटर करता है। ये कैरियर ओरिजिनल के साथ साथ होना चाहिए, अगर बहुत पीछे रह जाए तो भी मसला होता है। इसको जनरेशन कैसे होती है, एक कंपैरेटर लगा होता है, एक स्टेयर केस सर्किट लगा हुआ है। देखें जैसे ये देखें, ये स्टेयर है ना, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ऊपर नीचे, कभी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे हैं कभी नीचे उतर रहे हैं। तो इसके साथ स्टेयर केस सर्किट लगा होता है, साथ में डिले लगा होता है। डिले का क्या मकसद होता है कि हम चेक करते हैं, देखें ना, इस डिले में चेक करते हैं पिछले वाली वैल्यू अभी वाली वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, क्योंकि तो रेट ऑफ चेंज चेक करना होता है तो हमें डिले तो ज़रूरी चाहिए होते हैं। और साथ में कंपैरेटर लगा देंगे, डीमोडुलेशन में वही काम उल्टा कर देते हैं हम, यूनिट डिले के साथ स्टेयर केस के आगे लो पास सर्किट लगा देंगे। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, देखे ना, यहाँ ये जो मैं आपको पहले बता रहा था जो सिग्नल है, अब स्लोप ओवरलोडेड, देखें यहाँ से स्लोप बहुत ज़्यादा, हम आपको यहाँ से सिग्नल की एग्जैक्ट सिस्टम ही चेक करें। ये दो हैं, इसमें भी पॉजिटिव है इसमें भी पॉजिटिव है, यहाँ देखें ये बहुत पीछे रहेगा ना, तो इसका यही एक मेन नुकसान होता है। बाकी इसमें सिग्नलिंग रेट लो होता है, बैंडविड्थ कम चाहिए होती है। कंपेयर करते हैं पीसीएम के साथ, ये एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, इसमें हम सैम्पलिंग सारा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। इसमें एनकोडर डिकोडर होता है, इसमें मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। सिग्नल में हमारे दोनों साइडों पर, इसमें हम क्या करते हैं, लार्ज प्रोसेस है ये, इजी प्रोसेस है ये, चीप है,